So today we are going to prove Chebyshev's inequality. Let's first of all see the statement, then we will do the proof. If x is a random variable with mean mu and variance sigma square, then for any positive number k, we have these two statements, right? First of all, we will prove this statement, then this statement. Then also we will do another special case, that is when k sigma ki value humare paas c hogi, theek hai? Tab Chebyshev's inequality ki statements kya hogi, hum unko bhi prove karenge. सो बेसिकली हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे जस्ट ओनली वेरियंस से. वेरियंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन की इसकी वैल्यू ऐसे होती है, ठीक है. अब हमने ऊपर ही कहा था कि हमारे एक्स रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है और मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, दैट्स वाई हमने एक्सपेक्टेशन एक्स की जगह पर लिख दिया म्यू, राइट. अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जिस टर्म की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द वेरिएबल विच वी आर यूजिंग, दैट इज एक्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. इंटीग्रेशन ओवर द होल वैल्यूज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स, ठीक है ना. अब देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यूज कोई भी पर्टिकुलर तो नहीं दे रखी हैं, दैट इज ये इससे इस रेंज के विचकार में लाई करेगा, दैट्स वाई हमने ओवरऑल रेंज ले ली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. नाउ अब ये पूरी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज पहले हमारा x की वैल्यूज होंगी माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक, फिर हमारी x की वैल्यूज होंगी म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक, देन हमारी x की वैल्यूज होंगी म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक. नाउ देखिए अगर हम इन थ्री टर्म्स में से इस विचकार वाली टर्म को कैंसिल कर दें, दैट इज इसको यहाँ से इरेज कर दें, तो हमारे पास ये जो न्यू स्टेटमेंट बनेगी ये हमारी ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी इस स्टेटमेंट से, राइट. बिकॉज ये हमारी एक पॉजिटिव टर्म होगी, पॉजिटिव कैसे, हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, एंड मोर ओवर देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, दैट इज ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स अगर आप इस टर्म को क्रॉस आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास न्यू टर्म बनेगी ये लेस देन इक्वल टू होगी टू द दिस टर्म. देखिए इक्वल टू साइन क्यों, बिकॉज ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है. हमने सिर्फ ये कहा कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बट ये जीरो के इक्वल भी तो हो सकती है, अगर ये जीरो के इक्वल हो गई तो ये टर्म हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, दैट्स वाई हमने इक्वालिटी का साइन भी लेकर चल रहे हैं. ना अब नेक्स्ट देखिए इस इंटेग्रल से हमें मालूम पड़ गया दैट इज एक्स की हमारी क्या वैल्यूज हैं, यहाँ पर एक्स हमारा कौन सी वैल्यूज ले सकता है, दैट इज म्यू माइनस के सिग्मा से सभी छोटी वाली और इक्वल टू, ठीक है. और इससे हमें मालूम पड़ गया दैट इज एक्स लाइज बिटवीन सॉरी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिटवीन म्यू प्लस के सिग्मा और इक्वल टू, राइट. नाउ अब हम इस म्यू को इधर ले आए माइनस म्यू बन गया, इसको भी इधर ले आए, हमारे पास ये टू स्टेटमेंट्स बन गए. नाउ देखिए हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, दैट इज इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. नाउ इसको अगर हम अब इन दोनों के साथ कंपेयर अप करेंगे हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल, देखिए एक्स की जगह पर यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस म्यू है, दैट इज एक्स माइनस म्यू का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म. नाउ अब अगर हम दोनों साइड स्केयरिंग कर दें तो इधर आ जाएगा के स्केयर सिग्मा स्केयर और इधर आएगा मॉड्यूलस एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर. अब देखिए यहाँ पर मॉड्यूलस की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, बिकॉज अगर हम स्केयर करके कोई टर्म निकलेगी तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगी, ठीक है. सो दैट मीन्स हमें मालूम पड़ गया दैट इज एक्स माइनस म्यू का स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू के स्केयर सिग्मा स्केयर. अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस म्यू स्केयर की जगह अगर हम यहाँ पर दोनों जगह पर के स्केयर सिग्मा स्केयर पुट कर देते हैं तो हमें मालूम है के स्केयर सिग्मा स्केयर हमेशा ही छोटा हो रहेगा इन दोनों से, ठीक है. दैट मीन्स ये पूरी स्टेटमेंट भी हमारी छोटी हो जाएगी इस स्टेटमेंट से, दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल टू गेन. नाउ सिंपली उन दोनों स्टेटमेंट से हमने के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, राइट. एंड यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारा सिग्मा स्क्वायर ही प्रेजेंट था ना लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा एंड वाला साइन जो आया था हमारे पास. नाउ इन दोनों इंटेग्रल्स को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ अब यहाँ से हम वो दोनों स्टेटमेंट्स प्रूव करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ठीक है. सो देखिए अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंबाइन अप करके लें हमारे पास ये आ जाएगा, क्यों, बिकॉज यही तो पीछे हमने मॉड्यूलस की डेफिनेशन देखी थी, दैट इज एक्स इज लेस देन दिस वैल्यू एंड एक्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. दैट इज देखिए बेसिकली हमारी स्टार्टिंग तो इन टू टर्म्स से ही हुई थी ना और एंड में हमें मालूम पड़ गया था दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा. यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की एंड देन सिग्मा स्केयर के साथ ऑब्वियसली सिग्मा स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्केयर इधर चला आएगा, हमारे पास ये आ गया और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है. ये हो गई हमारी प्रूफ फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ अब अगर हमें सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बस हमें ये मालूम होना चाहिए दैट इज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वन, दैट्स वाई हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली इस टर्म की.
इस टर्म की हमने वैल्यू निकाल ली इस स्टेटमेंट में से जो इसके इक्वल आ गई, और इसको हम जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर पुट कर दिया, देन ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट बाय सिग्मा स्क्वायर, के स्क्वायर हमारा इधर चला गया एंड ये वाली टर्म इधर आ गई एंड ये वाली टर्म हमारी इधर चली गई। दिस इज आवर सेकंड स्टेटमेंट। नाउ अब हम एक स्पेशल केस लेकर चलेंगे, दैट इज जब हम के सिग्मा की जगह पर सी पुट कर देंगे तब हमारी टू स्टेटमेंट्स न्यू क्या आएंगी शेबीशेव इनइक्वालिटी की। सो ऑब्वियसली हमने प्रूफ्स यहाँ से ही बेसिकली स्टार्ट किए थे, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट का। सो दैट इज़ आप फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रूफ में आप यहाँ पर के सिग्मा की जगह पर सी पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी के सिग्मा की जगह पर सी पुट कर दीजिए, देन अगेन से स्केयर आपका इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ शेबीशेव इनइक्वालिटी। नाउ अगेन सेकंड स्टेटमेंट के प्रूफ के समय आप के सिग्मा की जगह यहाँ पर सी पुट कर देंगे, यहाँ पर भी सी पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगी ये वाली स्टेटमेंट, सो ऑब्वियसली सी स्केयर इधर चला आएगा, हमारी ये स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। देन अगेन ये टर्म आपकी इधर आ जाएगी एंड ये टर्म आपकी इधर चली जाएगी, सो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ शेबीशेव इनइक्वालिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हमने और भी बहुत सारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, कायस्केर डिस्ट्रीब्यूशंस, कायस्का डिस्ट्रीब्यूशन, TFZ डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इन सभी पर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप एक बार भी जाकर उन्हें जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।